नमस्कार, आप देख रहे हैं kynpost.com। ट्विटर पर आज हैशटैग जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा ट्रेंड कर रहा है, जिस पर अभी तक 6,40,000 से भी ज्यादा ट्वीट्स आ चुके हैं। ये घटना दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके की है, जहां बुधवार रात 12 बजे रिंकू शर्मा नामक युवक के घर में घुसकर दूसरे समुदाय के लोगों ने चाकू से वार करके 25 वर्षीय रिंकू को मार डाला और इसकी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। इस हैशटैग में ये भी कहा जा रहा है कि रिंकू शर्मा बजरंग दल का एक कार्यकर्ता है, जिस पर राम मंदिर का चंदा जुटाने के कारण हमला हुआ है और मौत के दौरान रिंकू को चाकू मारे जा रहे थे और वह जोर जोर से जय श्री राम बोलता रहा। साथ ही दैनिक जागरण दिल्ली पेपर की एक कटिंग को भी इन दावों के साथ शेयर किया जा रहा है, जिसमें लिखा है कि मृतक रिंकू ने एक हमलावर की पत्नी को अपना ब्लड डोनेट किया था, जिसका एहसान हमलावरों ने ऐसे चुकाया। वहीं इसके उलट कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि बर्थडे पार्टी के दौरान एक हाथापाई हुई, जिसमें विक्टिम रिंकू शर्मा को छुरा घोंप कर घायल कर दिया और इलाज के दौरान रिंकू ने दम तोड़ दिया। ऐसा ही एक ट्वीट डीसीपी आउटर दिल्ली के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी है, जिसमें इन बातों के अलावा लिखा है कि सभी आरोपी और मृतक एक दूसरे को जानते हैं और एक ही इलाके में रहते हैं और इस घटना के लिए किसी भी अन्य मकसद को बताना तथ्यात्मक रूप से गलत है। घटना के बाद चारों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम रिपोर्ट्स में जाहिद, महताब, दानिश और मोहम्मद इस्लाम बताए गए हैं और पुलिस इस घटना की जांच में जुटी हुई है। kynpost.com के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।